हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक, अब स्वागत करता हूँ आपका आपके पैर चंद दीपक बायोलॉजी क्लास एंड हॉस्पिटल में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट नहीं किया है एक बार भी, तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड हॉस्पिटल, तो आप में चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पर जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखें नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो आईसर भोपाल से आया है, तो यहाँ पे जो पीएचडी एडमिशन के लिए जो इनवाइटेड है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जैसे आप ISRB.ac.in/DOAE/admission पे जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो है आईसर भोपाल का जो वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पीएचडी में, तो यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, डाटा साइंस, इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आलू जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू सबमिट ऑनलाइन पीएचडी एप्लीकेशन फॉर बायोलॉजिकल साइंस से प्लीज क्लिक किया। तो यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है कि आप जिस भी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिए जो यहाँ पे जो है लिंक पे क्लिक करके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे है लास्ट डेट जो मेंशन कर रखी है वो आपकी जो है वो आई थिंक 10 अक्टूबर का रखी, मैं आपको वो क्लियर करके बता दूंगा अभी। हाँ, 24 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो लास्ट इसके बाद जो है आपको स्क्रीन किया जाएगा और जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है उन्हें जो कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसका जो मेरिट उसका जो लिस्ट है वो आपको यूनिवर्सिटी आईसर भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो देखने को मिलेगा। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो है बाई ईमेल के थ्रू जो है उन्हें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, डाटा साइंस, हिंदी, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए यहाँ पे जो है पीएचडी में एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बात करें बायोलॉजिकल साइंसेज की, तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल साइंसेज ऑफर्स रिसर्च इन द एरिया ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पे जितने बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी लाइक टॉपिक्स है उन सब में जो यहाँ पे पीएचडी ऑफर की जा रही है। अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे एमएससी या एमटेक होना चाहिए आपका 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा जो है आपका जो है यहाँ पे जो है एक्सेप्शनली ब्रिलियंट कैंडिडेट भी बीटेक, यानी अगर आपने बीटेक, एमबीबीएस, एमसीए भी किया है तब भी आप जो है पीएचडी करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपका ये पास एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होना चाहिए जैसे गेट, सीएसआई, यूजीसीआरएफ, डीबीटी, जीआरएफ, जो कि दो कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी वन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके आईसीएमआर जीआरएफ है या सीएसआई, यूजीसी, एलएस है या प्रोविजनल लेटर है इंस्पायर जीआरएफ का, तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एससी, एसटी, ओबीसी बिलोंग करते हैं तो आप जो है अगर आपके पास राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है या आपके पास जो है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है या नेशनल फेलोशिप और एससी एसटी है तब भी आप जो है इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा जो है 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जो है अगर आपको सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू का टाइम डेट क्या है। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन जो रहेगा वो विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यूज ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विच विल बी कंडक्टेड इन इंस्टीट्यूट प्रमाइजेस ओनली। रिलैक्सेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसटी, एटी एंड पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट एज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। इसके लिए सिलेक्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा, पहले आपको स्क्रीनिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है 2 राउंड्स में रहेगा, राउंड 1 और राउंड 2। तो राउंड 1 में जो है आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर आप राउंड 1 में जो है आपको इंटरेक्शन होगा आपका फैकल्टी मेंबर्स का, जो कि डिपार्टमेंट के जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहेगा। और जो इंटर लाइक राउंड 2 रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा जिसमें आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए लाइक सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 राउंड रहेंगे, राउंड 1 राउंड 2, तो आपको दोनों राउंड जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे तभी आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा टीए विल बी पेड टू एससी, एसटी, पीडी कैंडिडेट। अगर आप एससी, एसटी या पीडी कैंडिडेट तो आपको यहाँ पे टीए दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स पे 24 अक्टूबर 2022 जो लास्ट डेट है रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल साइंसेस में डॉक्टर सौरव दत्ता जो कि हेड डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल साइंसेस हैं उनको ईमेल के थ्रू जो है आप अपना क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईमेल आईडी दे रखे हैं 2 प्रोफेसर के, तो आप इनके अगर कोई भी डाउट है तो आप इन क्वेरीज पे जाकर इन लाइक मेल इन ईमेल आईडी पर जो है अपना अपना क्वेरी आप सेंड कर सकते हैं और आपको यहाँ पे जो है ईमेल के थ्रू आपकी क्वेरी ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे जो है किस वे से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या शॉर्टलिस्ट रहेगा, कैसे आपको शॉर्टलिस्ट होंगे और आपका जो है लाइक सिलेक्शन किस बेस पे है। इसके लिए यहाँ पे एज लिमिट 28 ईयर्स है
और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 3 ईयर्स विल बी गिवन फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी एंड पीडी और फीमेल एप्लीकेंट को, ठीक है। इसके अलावा ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू रिसीव जेआरएफ फेलोशिप एज पर द फंडिंग एजेंसी नॉर्म्स इन वर्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ने मेंशन कर रखी है, तो अगर आप जो है इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप जो आईसर भोपाल में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है अगर बायोलॉजिकल साइंसेज में कर रहे तो आप क्लिक यहाँ पे करिए, कैंपस इंजीनियरिंग पे कर रहे तो यहाँ पे करके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल साइंस में हम करें तो यहाँ पे क्लिक है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से जो है इसका इंटरफेस जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या ईमेल और आपके पास यहाँ पे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, ये सारा अगर आपका चीज़ है तो आप इस वे में आप नेक्स्ट करते करते जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।